नमस्कार, मैं स्वाति, एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली से नाराज विद्यार्थियों ने किया महाविद्यालय बंद। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को करनी चाहिए मामले की जांच, किशोर समृते, पूर्व विधायक लांजी। शासकीय महाविद्यालय लांजी से संबंधित छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का बीए द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम इस वर्ष बहुत ही असंतोषजनक रहा है। बीए द्वितीय वर्ष के आधे से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में फेल हो गए हैं, तो वहीं कुछ विद्यार्थियों को 2-3 अंक ही दिए गए हैं। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के इस लापरवाही के चलते विद्यार्थियों को अब एक वर्ष पुनः बीए सेकेंड ईयर में पढ़ना पड़ सकता है। इसी बीच बुधवार को शासकीय महाविद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थियों ने रैली निकालकर तहसील कार्यालय में पहुंचकर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के कुल सचिव के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें ज्ञापन के माध्यम से बताया गया था कि 22 दिसंबर को बीए द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों को अंग्रेजी विषय में 2-3 अंक दिया गया है। वहीं आधे से अधिक विद्यार्थियों को उक्त विषय में अनुत्तीर्ण कर दिया है। विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें अनुत्तीर्ण करने के कारण वह आगे की कक्षा में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं, जबकि विद्यार्थियों ने आगे की कक्षा में प्रवेश के लिए प्रवेश शुल्क जमा कर दिया है। यदि परीक्षा परिणाम संशोधित नहीं किया जाता है तो विद्यार्थियों का पूरा वर्ष बर्बाद हो जाएगा, जिसके चलते विद्यार्थियों ने सोमवार को महाविद्यालय के मुख्य द्वार में बैठकर महाविद्यालय बंद करके प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले की खबर लगते ही लांजी अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व द्वारा महाविद्यालय पहुंचकर बच्चों से इस विषय पर चर्चा करके विद्यार्थियों को नियम के तहत कार्यवाही करने और यूनिवर्सिटी उच्च अधिकारियों से बात करने तथा बात करके निराकरण करने के लिए आश्वस्त किया है। 100 में से 75% छात्रों का रिजल्ट बिगड़ा। इस संबंध में शासकीय महाविद्यालय के द्वितीय वर्ष कला संकाय की विद्यार्थियों ने कहा कि इस बार महाविद्यालय के कला संकाय द्वितीय वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का रिजल्ट संतोषजनक आया है। कई सब्जेक्ट में तो पूरे बच्चों को 80-80 है और कुछ बच्चों को फेल कर दिया गया है। 100 में से 75% बच्चों का रिजल्ट बिगड़ा हुआ आया है। इंग्लिश साहित्य के सभी बच्चे फेल हो चुके हैं। 60 में से 60 बच्चों को 80-80 आई है। फाउंडेशन जैसे सब्जेक्ट में भी 80-80 दिया गया है। किसी को 1 नंबर से तो किसी को 2 नंबर से, किसी को 4 नंबर जैसे अंक यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए हैं। किसी किसी को तो 0 भी दिया गया है। किसी भी विषय में 5 नंबर से ज्यादा अंक किसी को नहीं मिले हैं। हमारा शासन से अनुरोध है कि हमारे परिणाम को सुधार करके भेजा जाए, क्योंकि वर्तमान में हम लोग तृतीय वर्ष में अध्ययनरत है, जिसकी आधे से ज्यादा पढ़ाई हो चुकी है। अगर रिजल्ट में सुधार नहीं होता है तो हमारा द्वितीय वर्ष और वर्तमान सत्र भी खराब हो जाएगा और हमारा भविष्य अंधकार में आ जाएगा। एमबीसीडी 24 न्यूज एक्सप्रेस से पवन कश्यप की रिपोर्ट। शासकीय महाविद्यालय में छात्र हड़ताल पर बैठे हैं, आपने उनसे मुलाकात की, क्या समस्या है उनकी और आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, बीए सेकंड ईयर के जो छात्र हैं उनका रिजल्ट करीब 2-3 महीने पहले से, उनका जो जिस तरह का रिजल्ट होना चाहिए आया नहीं है और सर्वाधिक बच्चों को फेल कर दिया गया। मेरा कहना है कि एक आध बच्चे की बात समझ में आती है, पूरा का पूरा क्लास की क्लास, और ये अकेले बालाघाट जिले में नहीं है, सिवनी में भी, छिंदवाड़ा में, तो जितना भी जो यूनिवर्सिटी है छिंदवाड़ा की, उसके वाइस चांसलर को, उसके रजिस्ट्रार को इस मामले की जांच करवाना चाहिए। वो लोग फेल पड़े हैं और बच्चे सड़कों पे, तो अगर ये 10-12 दिन में इसका मामला हल नहीं होता है और वीसी और रजिस्ट्रार अगर बच्चों को बुला के बात नहीं करते हैं, परीक्षा की कापियों का रिवेल्युएशन होना चाहिए, उनकी फिर से जाँच होना चाहिए, रिजल्ट फिर से घोषित होना चाहिए। मेरा कहना है पूरा का पूरा रिजल्ट जो है उसको फिर से बनाया जाए, पूरा रिजल्ट जो है उसको निरस्त करके और फिर से सारी कापी लेते फिर से, क्योंकि अब बी ए फाइनल का भी उनका परीक्षा टाइम आ गया, तो बच्चे बड़े असमंजस में हैं कि बी ए सेकंड ईयर में रहेंगे या बी ए फाइनल में रहेंगे, ये स्थिति खराब है और सर्वाधिक उसमें लड़कियां हैं, तो सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। मेरा कहना है इस पूरे मामले में वीसी को तत्काल हटाना चाहिए और रजिस्ट्रार दोनों को हटाना चाहिए और जो परीक्षा इंचार्ज है उसको भी हटाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई। छात्र जो है जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। मैं ठीक बात कर रहे हैं कि अगर आपने रिजल्ट खराब बनाया तो एक रिजल्ट पूरा कैंसिल करो या जनरल प्रमोशन तो सबको करो, पी एस सेकंड ईयर में, बच्चे ठीक मांग कर रहे हैं, उनकी मांग बिल्कुल जाएगी और करना चाहिए। न्यूज एक्सप्रेस में, तब तक के लिए।